हम देखें कि अगर एक बिंदु दे रखा है 4 और 6, 4 और 8, 3 और 9, होता है करने में सहायक होती है। सीख ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे भौतिक सभी हैं। दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं और उनके बीच की दूरी सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं और हम उनके बीच बीच की दूरी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों के बीच की दूरी होगी 2। यहाँ पर y की वैल्यू 6 है, यहाँ पर y की वैल्यू 8 है, इसका मतलब यहाँ पर दूरी कितनी होगी? 2 होगी। अब हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 2² + 2² 8 आ जाएगा, यानी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो इस तरीके से हम दूरी भी निकाल सकते हैं, यानी कि दो निर्देशांक के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 6 है, और 6 और 8 के बीच की दूरी हमने निकाली है, कितनी आई है? 2√2 आई है। तो यहाँ पर बिंदु 6 और 4 और Q बिंदु मान लेते हैं कि -5 और 3 पर विचार करें, तो
तो यहाँ पर x एक्स पर लंब क्यू एस हमने खींचा और फिर इसका वैल्यू ज्ञात करी हमने, जैसे कि इस तरीके की वैल्यू है, -5 और 3, 6 और 4 है। यहाँ पर इनको बीच में मिला दिया हमने, तो ये इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि P करोड़ 170 आ जाएगा, यानी दो निर्देशांक दे रखे हमें, x1 y थ्री हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को अंडर रूट कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारे दो निर्देशांकों के बीच की दूरी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी हमारी। कि PT की वैल्यू क्या है, यहाँ पर PT की वैल्यू है x2 माइनस के x1, और QT की वैल्यू क्या है, QT की वैल्यू है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। तो इस तरीके से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट PQ की वैल्यू निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे x1 y1 और q दे रखा है, x2 y2 उनके बीच की दूरी क्या होगी, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं दूरी सूत्र। तो विशेष रूप से हम देखें कि P x और y है, यानी मूल बिंदु 0 और 0 से दूरी निकालते हैं। ओ पी एक्सिस, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी हो पी एक्स और वाई की, तो मूल बिंदु से दूरी स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसे 3 2 -2 और 3 और 2 और 3 एक चतुर्भुज बनाते हैं। यदि हाँ तो हमें बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। जैसे सबसे पहले P और Q, हम जैसे P मान लेते हैं 3 और 2 को, तो PQ की वैल्यू निकालेंगे हम। PQ की वैल्यू क्या होगी, -3 + 2, या -2 - 3 का स्क्वायर, तो 3 + 2 का स्क्वायर, फिर -3 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर अंडर रूट 50, यानी 7.07 आ जाएगा। QR की वैल्यू हम निकालें, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 + 2 का स्क्वायर प्लस के 3 + 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी अंडर रूट 52 यानी 7.21। और तीसरा हम देखें पी आर की वैल्यू, यानी कि 2 3 और 3 2 को लेकर देखते हैं, +2 - 3 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन। मतलब इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो का योग है, त्रिभुज बनता है। और PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो P है वो 90 डिग्री है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करते हैं, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, QR स्क्वायर आ जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब QP एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दर्शाइए कि दो बिंदु दे रखे हैं, ये 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 7 4 2, -1 1 और 4 और 4, ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये हमें दर्शाना है। तो वर्ग के शीर्ष हैं, इसका मतलब चार सारी दूरियां हमारी बराबर आनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा, पहले दो बिंदु हम लिख देते हैं, जैसे एक है 1 और 7 और दूसरा बिंदु है 4 और 2। अगर हमें दूरी इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो जैसे मान लेते हैं कि इन एक भी है, तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, क्योंकि एच टू माइनस एक्स
का स्क्वायर प्लस वाई थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस ए बी यानी कि इसी तरीके से 4 और 2 निकालते हैं, दूरी मान लेते हैं बीसी, बीसी मान लेते हैं इसको अंडर रूट माइनस के 1 माइनस के 5 4, तो हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 माइनस के 2 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट, ये वैल्यू भी आ रही है हमारी 34, अंडर रूट 34। तो इस तरीके से अगर चारों वैल्यू हमारी अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 आती है तो ये वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, ये एसी की क्या आ रही है, अंडर रूट 68। चतुर्भुज हमारी बराबर आ रही है एसी इक्वल टू बीडी यानी विकर्ण यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब चतुर्भुज एबीसीडी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। इसका मतलब चतुर्भुज एबीसीडी है हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो हमें विकर्ण भी चेक करना होगा, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए क्योंकि एक वर्ग जो होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम चारों भुजाओं और एक विकर्ण मान लेंगे। तो जैसे कि ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 34 प्लस 34 यानी अंडर रूट 68 ए सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एक तरीके से एक विकर्ण के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अगर सिद्ध हो जाती है, चारों भुजाएं बराबर होने के कारण एक कोण समकोण होने से चतुर्भुज एक वर्ग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि ये एक आकृति दिखाई गई है ए बी सी, ये आकृति दिखाई गई, तीन पॉइंट दिखा रखा है। तो यहाँ पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो हम सोचते हैं कि ए की वे एक ही रेखा में बैठे हैं, उसका हमें सहकारण उत्तर देना है। तो एक ही रेखा के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, जैसे सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये हो जाएगी, इसी तरीके से बीसी की वैल्यू निकाली हमने, तो अंडर रूट 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 यानी कि 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। और इसी तरीके से एसी हमने निकाला तो ये 5 अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 अंडर रूट 2 यानी एसी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी संरेखी है, वे तीनों एक ही सीध में बैठे हैं क्योंकि तो अगर दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो ये मतलब कि एक ही सीध में है ये, यानी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू है ए सी की इक्विवेलेंट आ रही है, तो ये संरेख माने जाएंगे। जैसे हम देखें कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 और 1 और 3 और 5 से समान दूरी पर रहे। समान दूरी के लिए हम जैसे कि कोई भी बिंदु मान लेंगे यहाँ पर, यानी कि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर होना चाहिए। ए पी का स्क्वायर मतलब क्या है, 7 माइनस एक्स, यानी मूल बिंदु मान लिया ये एक्स है, या फिर 7 माइनस एक्स या एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दो पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट हमने यहाँ पर माना है मान लीजिए। तो ये एक्स यहाँ पर एक्स और वाई हो जाएगा, यानी कि ये
यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस सेवन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेवन और वन है, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर और वाई माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 14x प्लस के 49 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2y प्लस 1 यानी ए माइनस तरीके से एक रेखा बनेगी यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू टू, यानी ये एक आर रेखा है, ये रेखा बनती है x माइनस वाई इक्वल टू टू। अपने यहाँ पर एक बिंदु से दो दिए हुए बिंदु a और b से समदूरस्थ है और रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू टू का आलेख हमने ए बी का लंब समद्विभाजक है। नेक्स्ट हम देखें जैसे बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, इसका मतलब y अक्ष 4 माइनस 0 का प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 9 प्लस y स्क्वायर माइनस के 6 y, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 36 यानी y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब बी की वैल्यू निकाल रही है, बीपी की वैल्यू यहाँ पर ये सही है, यानी कि 09 हमारा बाई एक्स पर रेखाखंड है ए बी की लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो इसके आधार पर ये प्रश्नावली है, आप 7.1 सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे टेलीफोन कंपनी शहरों ए और बी में एक प्रसारण टावर ऐसे स्थान पर पी पर स्थापित करना है, जैसे इस बिंदु पर पी पर स्थापित करना है ताकि टावर बी से दूरी उसकी ए से दूरी से दोगुनी हो, यानी बी से जो दूरी है इसकी 36 और 15, ए से जो दूरी है उससे दूरी हो दोगुनी हो, तो यदि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है तो ए बी को 1:2 में विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोगुनी होनी चाहिए, यानी कि ए पी की वैल्यू 1 होनी चाहिए और पी वी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यानी 1:2 में विभाजित करेगा। तो हम ए को मूल बिंदु माने यहाँ पर, यानी कि 1 किलोमीटर को दोनों अक्षों पर एकमात्रक माने और बी के निर्देशांक 36 और 15 है, यानी पी की स्थिति जानने के लिए पी के निर्देशांक ज्ञात करने चाहिए हमें, और ये निर्देशांक हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। पी के निर्देशांक मान लीजिए एक्स और वाई है और बी से एक्स अक्ष पर लंब है, जो उससे सी पर मिल रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखें कि ओपी इक्वल टू ओपी डिवाइड बाई पी सी, ओपी डिवाइड बाई पी सी इक्वल टू ओपी डिवाइड बाई पी वी, ये क्या होगा 1:2 होगा क्योंकि 1:2 में बांट रहा है, इसका मतलब ये 1:2 दे रखा है तो ये भी 1:2 होगा, यानी कि पी डी डिवाइड बाई बी सी, पी डी डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू
ओपी डिवाइड बाई पी वी, यानी ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओपी की जो वैल्यू है वो है एक्स, क्योंकि ओडी ओडी की वैल्यू एक्स है, पीसी की वैल्यू 36 - x है, और इसी तरीके से पीडी की वैल्यू वाई है और बीसी की वैल्यू 15 - y है, हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 12 आ रही है और वाई की वैल्यू 5 आ रही है समीकरण से हम देखें। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसकी जांच हम कर सकते हैं कि ये 1/2 में विभाजित है या नहीं है। 12 और 5 के अकॉर्डिंग हम देखें, यानी पी की वैल्यू 12 और 5 लिख के हम दूरी निकाल कर देखेंगे कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो y1 दे रखा है, b वैल्यू x2 y2 दे रखा है, और मान लो बीच में बिंदु आ गया है, अनुपात n2 में विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो PA की वैल्यू है, PA डिवाइड बाई PV इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2, एक्स एक्सिस पर AR ये है, AR PS और BT लंब कह सकते हैं हम, AR PS और BT हम लंब कह सकते हैं, एक्स और हम AQ कह सकते हैं, PC कह सकते हैं। तो अगर PAQ, तो अगर BPC BPC के अगर समरूप है, इसका मतलब PA डिवाइड बाई BP इक्वल टू AQ डिवाइड बाई PC इक्वल टू PQ डिवाइड बाई BC। तो इसका मतलब AQ इक्वल टू RS इक्वल टू OS - OR, यानी x - x1 आ जाएगा। इसी तरीके से PC की वैल्यू है इक्वल टू ST, यानी कि OT - OS, यानी कि x2 - x1 x आ जाएगा। PQ की वैल्यू आ जाएगी PS - QS, यानी PS - KAR, यानी y - y1 आ जाएगा। BC की वैल्यू आ जाएगी BT - CT इक्वल टू BT - KPS, यानी y2 - y आ जाएगा। तो M1 डिवाइड बाई M2 इक्वल टू हो जाएगा x - x1 डिवाइड बाई x2 - x इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई y2 - y। तो M1 डिवाइड बाई M2 की वैल्यू हो जाएगी x - x1 डिवाइड बाई x2 - x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू प्लस M2 x / y1 डिवाइड बाई y2 - k M2 y1 डिवाइड बाई M1 + M2। M1 x / y2, तो ये विभाजक हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा M1 यानी kx2 + kx1 डिवाइड बाई k+1, ky2 + y1 डिवाइड बाई प्लस।
ये एक्स वन दे रखा है, M1 प्लस M2, और ये जो दे रखा है यहाँ पर, यानी कि जो अनुपात दे रखा है यहाँ पर, वो कितना दे रखा है इसी सूत्र का उपयोग करके, यानी x की वैल्यू आ जाएगी M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। X2 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगा। प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 1 है। X1 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। डिवाइड बाई M1 प्लस M2, यानी कि 3 प्लस 1, इसका ऊपर हो गया 8 या 24, 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, यानी 28 डिवाइड बाई 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7। इसी तरीके से बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बाई की वैल्यू क्या होती है, M1 x2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 कितना है, y2 कितना है, 5 है। M1 by 2, तो ये 12 हो गया। सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, बिंदु दे रखा है 4 और 6, और ए बिंदु दे रखा है, बिंदु 4 अनुपात 7 आ गया, क्योंकि -4 3m1 माइनस के 6m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो m1 अनुपात इनपुट 7 अनुपात 2 निकाल सकते हैं, m1 m2 का अनुपात किसी भी समीकरण से यहाँ पर। तो उत्तर की जांच कर लेने के लिए हमें बाई के निर्देशांक को भी संतुष्ट कर लें यहाँ पर, यानी -M2 10 पे M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, -8 है M1 डिवाइड बाई M2 प्लस 10 डिवाइड बाई M1 बाई M2 प्लस 1, M2 से ऊपर नीचे भाग दे दिए यहाँ पर, -8 2/7 इंटू 10 डिवाइड बाई 2/7 प्लस 1, यानी 6 आ रहा है। इसका मतलब है बाई की वैल्यू 6 आ रही है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, M1 M2 का M1 अनुपात M1 डिवाइड बाई M2 अनुपात 1 है, या के अनुपात 1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी -4 6 है। ए बी को के अनुपात 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4 6 3k-6 डिवाइड बाई के प्लस 1, -8k+10 डिवाइड बाई के प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी -4 इक्वल टू आ जाएगा 3k-6 डिवाइड बाई के प्लस 1, यानी k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/7, यानी के अनुपात 1 इक्वल टू 2/7 आ जाएगा। पी और पी भी याद करने के लिए, या फिर उनके अनुपात से लेकर प्राप्त करने के लिए हम इनको उपयोग करते हैं, जैसे कि
अगर बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को संविभाजित करने वाली बिंदुओं की होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले पी रेखा खंड है ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 में तोड़ेगा, 1:2 में तोड़ेगा यानी M1 और M2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यानी पी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे -1 और 0। अगर पी बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल दिए -1 और 0, तो हम क्यू रेखा खंड है ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 में व्यवहित करेगा क्योंकि यहाँ पर 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यू रेखाखंड है एक 2:1 में विभाजित करेगा, यानी कि क्यू के निर्देशांक की वजह -4 और 2, और ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को संत्रिविभाजित करने वाले बिंदु हमारे -1,0 और -4,2 आ जाएंगे, यानी दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। तो क्यू निर्देशांक उसे पी वी का मध्य बिंदु मानते हुए भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग हमें करना होगा। जैसे हम देखें कि बिंदु 5 और -6 दे रखा है, दूसरा बिंदु दे रखा है -1 और -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को वाई एक्स पर किस अनुपात में विभाजित करती है, कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक की भी ज्ञात कीजिए। तो इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम देखें वाई एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और y होते हैं। के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 5:5 पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु जो मिलता है 0 और -30/3 मिलता है। इसी तरीके से यदि बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसी क्रम में p का मान हमें निकालना है, यानी p की वैल्यू। तो समांतर चतुर्भुज की क्या परिणाम है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिविभाजित करते हैं, यानी कि हमें क्या करना होगा, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो अब त्रिभुज देखते हैं। जैसे एक आधार और उसकी संगत शीर्ष लंब यानी ऊंचाई दिए रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, या जिसे ऊंचाई कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये त्रिभुज लंबे निकालना है 2 इंटू आधार, आधार मान लीजिए कि ए बी है और ये सी डी ऊंचाई है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार ए बी इंटू ऊंचाई सी डी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरो का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हो तो हम उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक विधि यह हो सकती है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज के तीन भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं और फिर हीरो के सूत्र प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यह विधि जटिल हो सकती है, विशेष रूप से तब जब भुजाएं संख्याओं के रूप में प्राप्त हो। तो हमें केस में यूपी का क्षेत्रफल प्लस ए
आरसी का बी क्यू और ए पी ये समांतर हो जाए तो दोनों का योग इंटू उनके बीच की दूरी क्यू पी आ गई। इसी तरीके से 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर ए माइनस के 1/2 बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर। तो इसको हम डायरेक्ट सूत्र को लगाकर देखें कि 1/2 बी क्यू की वैल्यू, बी क्यू की वैल्यू है बाई टू माइनस बाई टू प्लस बाई वन, बीक्यू की वैल्यू है और एपी की वैल्यू बाई वन है, बीक्यू की वैल्यू बाई टू है। तो इसके अकॉर्डिंग हम रख दिया यहाँ पर। इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स वन 1/2 बाई वन माइनस बाई टू और एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3। अगर एक्स वन हम बाहर रख लिया तो बाई टू माइनस बाई थ्री आएगा, अगर एक्स टू बाहर रख लिया तो बाई थ्री माइनस के बाई वन आएगा, और बाई एक्स थ्री हमने रख लिया तो एक्स वन माइनस के यानी कि एक्स थ्री बाहर रख लिया तो बाई वन माइनस के बाई टू आएगा यहाँ पर। तो इसका उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, शीट समय दे रखे हैं माइनस वन, दूसरा दे रखा है माइनस फोर और सिक्स, और तीसरा दे रखा है माइनस थ्री और सिक्स। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1/2 एक्स वन यानी कि वन हमने रखा तो बाई टू माइनस बाई थ्री आ जाएगा, यानी सिक्स माइनस के फाइव, तो सिक्स प्लस फाइव आ गया। प्लस दूसरा हम रखा एक्स टू, एक्स टू तो ये हो जाएगा बाई थ्री माइनस के बाई वन, प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस के बाई टू, तो ये आ जाएगा 24, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 आ गया। इसी तरीके से बिंदु हमें तीन दे रखे हैं, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तीन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज 1/2 5 और 4 माइनस 7 प्लस 4 आ गया, 7 प्लस 4। इसी तरीके से प्लस 4 आ गया एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन, प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू, तो ये आ जाएगा माइनस 2। क्योंकि क्षेत्रफल नहीं हो सकता आता है, हम क्षेत्रफल के रूप में माइनस टू का संख्यात्मक मान लेंगे 2, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 वर्ग का ही होगा। यहाँ पर हम देखें कि तीन तीन बिंदु दे रखे हैं पी क्यू आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। मात्रक क्षेत्रफल क्या है, तो उसके शीट से बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, यानी के ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें कि ए पॉइंट दे रखा चतुर्भुज बनते हैं, चतुर्भुज में एबीडी और बीसीडी, तो एबीडी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। और एबीडी का क्षेत्रफल निकालने के बाद में, क्योंकि एबीडी में ये 4 और 5 है, यानी कि एबीडी बाई एक्स वन और बाई टू माइनस बाई थ्री, यानी बाई टू की वैल्यू माइनस फाइव है और बाई थ्री की वैल्यू माइनस फाइव है, तो ये बाई टू माइनस बाई थ्री लेगा। इस तरीके से एबीडी का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि 1/2 एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री माइनस के
प्लस के एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन प्लस के एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 19 वर्ग मात्र, यानी एबीसीडी का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 72 वर्ग का है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे कि ये चतुर्भुज है हमारा, मान लीजिए अगर इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं, यानी एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाता है। उसी का हमने प्रयोग किया यहाँ पर, तो 72 वर्ग मात्रा का गया, यानी किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे किसी ऐसे त्रिभुजों में बांटते हैं जिसका कोई सर्वनिष्ठ न हो, या फिर इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को फिर जोड़ देते हैं। जैसे इसी के आधार पर हम क्या कर लेंगे, 7.3 बचने वाली है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में ये अच्छी प्रश्न वाली है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि P बिंदु x1 y1 दे रखा है, Q बिंदु x2 y2 दे रखा है, उनके बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। P बिंदु x और y के मूल बिंदु से दूरी हम देखें तो x स्क्वायर होगी। P एक्स और वाई के निर्देशांक हैं, तो दो बिंदु, जो बिंदु है एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या होंगे, एम वन एम टू के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। इसका मतलब एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस वाई टू होगा। तो पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू को जोड़ने वाला रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। अगर 1/2 एक्स वन बाई टू माइनस प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन प्लस होगा, तो हम यहाँ पर P बिंदु से AB तंतु या रेखाखंड के बाहरी में स्थित है, PA इक्वल टू PB का अनुपात M1 अनुपात M2 है,